सो हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर किस तरह से ITR 1 फाइल करते हैं इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है वहाँ पे जाना होगा। तो देखिए, इस तरह का इंटरफेस होगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट जो नई वाली आई है उसका इस तरह से वेब पेज बना हुआ है। यहाँ पे जाके आप लॉगिन के ऑप्शन पे जाएंगे और जो आपका अकाउंट है उसमें अपने पैन नंबर की हेल्प से लॉगिन करेंगे। तो देखिए, जैसे ही हमने उसको आगे बढ़ाया, पासवर्ड वाला पेज आ गया है। यहाँ पे एक ऊपर कॉलम आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया, ऊपर कॉलम आ रहा है प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एसेस इमेज। यहाँ पे आपको क्लिक करना ही होगा तभी ये आगे जाएगा। आप देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे ये कलर ब्लू हो गया है कंटिन्यू का, तो उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, जैसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने इसका पासवर्ड पहले क्या डाल रखा है, तो नीचे ऑप्शन आ रहा है फॉरगॉट पासवर्ड। आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ये आपसे पूछेगा कि आपकी जो यूज़र आईडी है वो क्या है। तो मैं देखिए इसको फॉरगॉट पासवर्ड पे प्रोसीड करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद मैंने कंटिन्यू किया तो ये ऑप्शन दे रहा है कि OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार और अपलोड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यूज ई फाइलिंग OTP। तो किसी भी एक की हेल्प से आप इसको अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। अच्छा होगा आप जो पहला ऑप्शन है आधार नंबर के साथ में जो मोबाइल नंबर अटैच है उसके थ्रू इसको रिकवर कीजिए। इस पे क्लिक करते ही ये पेज खुल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है आई हैव ऑलरेडी हैव एन OTP एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो मेरे पास कोई OTP अभी नहीं है तो मैं जनरेट OTP पे क्लिक करूंगा, इसको कंटिन्यू करूंगा। अब यहाँ पे मैं वेरीफाइड CU क्लिक कर दीजिए आधार डिटेल के लिए, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। और अब जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आधार नंबर से अटैच है वहाँ पे OTP आ गया होगा, उसको इसमें फिल करना है। तो मैंने इसमें जो OTP आया था वो डाल दिया है, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करते ही फिर से ये ऑप्शन दे देगा कि नया पासवर्ड रीसेट कीजिए। तो मैंने नया वाला पासवर्ड बना के इसमें डाल दिया है। कंफर्म न्यू पासवर्ड भी मांगता है तो उसी पासवर्ड को दोबारा डाल देना है और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। नए पासवर्ड में जो पैरामीटर्स आजकल चल रहे हैं उनका ध्यान रखना है कि एक लेटर कैपिटल में होना चाहिए आपका और कोई ना कोई मैथमेटिकल डिजिट्स यूज़ हों, कोई स्पेशल कैरेक्टर सिंबल हैं वो यूज़ होने चाहिए, तभी ये इसको आगे बढ़ने देगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा करते ही मेरा पासवर्ड चेंज हो गया और यहाँ पे आ रहा है कि गो टू होम पेज या फिर प्रोसीड टू लॉगिन। तो इसके आगे वाला प्रोसीजर है, आपको ITR फाइल करना है तो लॉगिन पे प्रोसीड कर देंगे। इस तरीके से आप अपना अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ITR फाइल के लिए आप अपने लॉगिन वाले पेज पर जाएंगे और अपने अकाउंट में अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी नए वाले जो पोर्टल है उसमें दिया गया है फाइल योर रिटर्न फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, फॉर असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। इस पे आप चले जाएंगे फाइल करने के लिए करंट ईयर का जो आपका ITR है वो, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो भी ITR आपको फिल करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा आ रहा है, ये थोड़ा अच्छी सुविधा दे दी है इसमें कि आपको सोचना नहीं कि किस ईयर का आपको फाइल करना है, करेंट ईयर ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है 2021-22। क्लिक करेंगे इस पे, उसके बाद देखिए आपको ऑप्शन देगा आर यू ऑडिटेड अंडर सो एंड सो। ये सब ऑलरेडी आपको फिल नहीं करने हैं तो यहाँ पे कोई भी क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आएगा, आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो मोड आएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जनरली ऑनलाइन में ही प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। प्रोसीड करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आ रहा है यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन। आप जो कुछ करते जाएंगे यहाँ, अगर आपने बीच में छोड़ दिया है तो यहाँ पे ड्राफ्ट के फॉर्म में आ जाएगा जिसको आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है तो यहाँ पे आ रहा है ये फाइल टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए किसी इंडिविजुअल का भरना है तो इंडिविजुअल वाले पे ऑलरेडी क्लिक आ रहा है, कंटिन्यू कर देंगे।
उसके बाद लिखा है यू नीड टू चूज एन ITR फ्रॉम फॉर्म टू प्रोसीड, कौन सा ITR भरना है। सेल लीड पर्सन ITR 1 भरते हैं, तो आप ITR 1 भर सकते हैं अगर आप सेल लीड हैं तो। प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक कर देंगे। अब इनकम टैक्स रिटर्न का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 लिखा आ रहा है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एजम्पशन लिमिट। अगर आपकी आप टैक्स पे ही हैं, आपकी टैक्सेबल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और फिर आ रहा है फाइलिंग रिटर्न इनकम ड्यू फाइलिंग ड्यू टू फुलफिलिंग एनी ऑफ एनी वन और मोर बिलो मेंशन कंडीशन एज पर सेवेंथ प्रोविजन टू सेक्शन सो एंड सो। तो इसको आप देख सकते हैं आप आपके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है। अगर आप इनकम टैक्स आपको देना ही है, आप उस रेंज में आ चुके हैं, तो पहला वाला टिक कर सकते हैं। तो जो भी आपके ऊपर सूटेबल है आप उसको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर लेंगे। अब देखिए ये पेज आ रहा है, तो वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज़ कंफर्म दैट डिटेल इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। आपने पहले जो इनकम टैक्स भरा है उसके हिसाब से ये आपका डाटा यहाँ से ले लेगा, तो आप इस पर ओके करके क्लिक कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें रिटर्न समरी आ रही है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लीजिए क्लिक करके। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करके ये डिटेल आ रहा है, यहाँ मेरा पैन डिटेल, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद में और इन्फॉर्मेशन देखिए, 139(1) भर रहे हैं हम लोग, जो ड्यू डेट से पहले भरते हैं 139(1) है। कोई नोटिस हमें मिला होगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे इस वाली ऑप्शन पर, अदरवाइज इसको ऐसे छोड़ें इसको। और अगर आप रिफंड ले रहे हैं तो किसी एक को आपको टिक कर देना होगा, दो अकाउंट का डिटेल लिखा हुआ है इसमें। देखिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन आप पूरी करते जाएंगे उसके आगे टिक लगता जाएगा। तो मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरी भर ली है, तो यहाँ पे कन्फर्म मैंने कर दी है, तो ये कन्फर्म पे टिक लग गया है। अब मैं अगला पॉइंट पे जाता हूँ, लिखा हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम पे मैं क्लिक करूँगा। अब इसमें कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लिखा हुआ है सेलरी एग्जम्पशन, अगर आप कोई सेलरी एग्जम्पशन ले रहे हैं, लिखा हुआ है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म एटसेट्रा। अगर कुछ ले रहे हैं आप तो आप इस पर यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। आगे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपलसरी अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है आपको इस तरह के अलाउंस दे रहा है, HRA दे रहा है या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहा है, तो आप इसमें यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। और जब आप यस करेंगे तो अगली वाली पेज में इनसे रिलेटेड ही कॉलम ओपन हो जाएंगे। अब मैं चूंकि नो कर रहा हूँ तो वो कॉलम ओपन नहीं होंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन रेस्पेक्ट ऑफ HRA, तो मैं नो कर दे रहा हूँ। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन रेस्पेक्ट ऑफ LTC, मैंने नो कर दिया। आर यू एलिजिबल टू क्लेम अंडर एग्जम्पशन ऑफ सैलरी इनकम, मैंने नो कर दिया। तो मेरे केस में नो है तो मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ, आपके केस में अगर यस है तो आप इनको क्लिक करेंगे, आगे कंटिन्यू जैसे ही करेंगे अगले वाले पेज में इनसे रिलेटेड जो पेज हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपसे इनसे रिलेटेड थोड़ा डाटा वो मांगेंगे। अब इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे मैं जो सैलरीड इनकम है उसको, तो इनकम फ्रॉम सैलरी वाले ऑप्शन को मैं एडिट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो इनकम है मैं अपनी इनकम डाल देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 4 लैक्स, ठीक है। डालने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो इसमें ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ आएगा, आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपने सेविंग वगैरह दिखाई है ATC में तो ऑप्शन जरूर आएंगे आपको फिल करने वाले, अदरवाइज देखिए मैंने यहाँ पे जो फिल किया था 4 लैक्स, तो यहाँ पे आ गया 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, 3,50,000 बचा रह गया। इस पर क्लिक कर देंगे सेव के ऊपर, तो देखिए ये वाला पार्ट मेरा फिल हो चुका है।
अब ये डिविडेंड की इनकम थी वो भी इसने ऐड कर ली, कंफर्म कर दीजिए। अब इसके बाद में ये दो कॉलम मेरे फिल हो गए, तो देखिए टिक लगा हुआ आ रहा है। इसके बाद टोटल डिडक्शन, तो अगर आपने डिडक्शन वाले कॉलम को क्लिक किया है तो ऑलरेडी आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब चूंकि मैंने नो कर दिया था तो मुझे नहीं मिलेंगे, तो मैं दोबारा से यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ। अगर इस पर क्लिक नहीं है तो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम, 80G में आता है अगर आपने किसी ऐसे संस्थान को डोनेशन किया है जहाँ पे आपको टैक्स रिबेट मिल सकती है, तो उसमें आता है ये। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, 80GG किसी राजनीतिक संस्था को दिया गया। 80C में अगर आपने कुछ डिपॉजिट किया है टैक्स बचाने के लिए, जैसे LIC में, प्रोविडेंट फंड वगैरह में, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारी कॉलम इस कैंडिडेट के लिए अप्लीकेबल नहीं है, तो मैं इनको नो कर दे रहा हूँ। और कोई डिडक्शन के लिए आप हैं तो आप यस करेंगे, जैसे आप यस करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, उनको आप क्लिक करेंगे तो उनसे रिलेटेड फॉर्म अगले पेज में ओपन होंगे। तो यहाँ पे मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं नो करके इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। कर दिया तो देखिए अब ये पेज खुल रहा है, 80D का डिडक्शन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैंने कोई ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस कैंडिडेट ने नहीं लिया है, तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ। कोई भी डिडक्शन नहीं है, टोटल यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। अगर मेरा होता तो मैं यहाँ पे ज़रूर इसको फिल करता। कंफर्म कर देंगे, कंफर्म करने के बाद में टैक्स पेड आ रहा है, कितना आपने टैक्स पे किया। तो इसमें ऑटोमेटिक भी आ जाता है और नहीं आ जाता है, तो आपको जो फॉर्म 16 मिला हुआ है उसमें आप फ्रंट पेज पे देख लेंगे लिखा होगा कितना टैक्स आपने पे किया, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिटेल डाल देंगे इस कॉलम में, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम। सैलरी इनकम पे जितना टैक्स कटा है यहाँ पे आप उसका डिटेल शो कर देंगे। व्यू योर, लिखा आ रहा है व्यू योर फॉर्म 26AS, तो 26AS फॉर्म अगर आपने नहीं देखा हो तो आप इसी सेक्शन में देख सकते हैं। आप जो ई फाइल कॉलम देख रहे हैं इसी में इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, यहाँ से फिर देखिए नीचे आ रहा है व्यू फॉर्म 26AS। तो ये जो फॉर्म है ये बताता है कि आपका कितना कितना TDS कब कब काटा गया है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस पर कैसे करते हैं। तो 26AS पे क्लिक करेंगे, डिस्क्लेमर मांगेगा, ओके कर देंगे, एक पेज ओपन हो जाएगा, एग्री कर देंगे, प्रोसीड करेंगे। इसके बाद नीचे लिखा आ रहा है देखिए व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कौन किस असेसमेंट ईयर का चाहिए, तो 21-22 का मैं देखना चाह रहा हूँ, वो क्लिक कर दूंगा। HTML सेलेक्ट कर लूंगा, व्यू और डाउनलोड वाला ऑप्शन जो आ रहा है इस पर मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, देखिए ओपन हो चुका है। नीचे जहां जहां से जैसे डिविडेंड में इनकम आई है वो यहां शो कर रहा है, अगर सैलरी में इनकम आ रही होती तो यहां पे शो करता, लेकिन यहां पे केवल वही शो करेगा जो आपकी एम्प्लॉयर ने जिसका डिटेल इनकम टैक्स को दिया है, नहीं दिया तो शो नहीं करेगा। तो ये फॉर्म 26AS होता है, इसमें आपका जितना टैक्स डिडक्शन है आपकी इनकम आपके एम्प्लॉयर ने शो की है वो पूरी की पूरी यहाँ पे शो होती है। इसी के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कोई क्वेरी कर सकता है कि आपने इस वैल्यू का टैक्स नहीं दिया है। तो जो डिटेल है आप अपने यहाँ पे दे दीजिए, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ इनकम अदर देन सैलरी, किसी सैलरी के अलावा जो अदर इनकम है वहाँ पे कोई टैक्स आपका अगर कटा हुआ है, जैसे बहुत से लोगों का TDS कट जाता है, इसमें जो मुझे 53 रुपीज की इसमें इनकम शो कर रहा है, अगर मेरा TDS भी इसमें कटा होता, क्योंकि ये फॉर्म 26AS कह रहा है कि मेरा TDS यहाँ पे नहीं कटा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट 52 और टोटल टैक्स डिडक्टेड यहाँ जीरो दिखा रहा है, मेरा कोई टैक्स नहीं कटा हुआ है, इस वजह से मैं अदर सोर्स ऑफ इनकम पे जो TDS है उसको फिल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जीरो ही रहने देता हूँ। डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स एज पर फॉर्म 16C फर्निश्ड बाय पेयर, तो ये सब यहाँ एप्लीकेबल नहीं है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको, और आप मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। जनरली सैलरीड पर्सन की जो TDS काटा जाता है फर्स्ट कॉलम में फिल हो जाता है। फिर कह रहे हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी, देखिए यहाँ टैक्स पेड वाले पे मैंने वेरीफाई कर लिया है तो यहाँ पे टिक हो चुका है। अब इसके बाद अगला कॉलम आ रहा है टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो इसको मुझे क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब ये सारा टैक्स कैलकुलेट करके बताएगा कि ये टोटल इनकम मेरी 350,000 है और जो इनकम टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम वो इतना होना चाहिए, और उसके बाद में आप
सरकार ने छूट दे रखी है 5.5 लाख तक, तो ये सब जीरो जीरो हो जाएगा और कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। कंफर्म कर देंगे इसे, कंफर्म करते ही देखिए यहाँ पे आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी जीरो। प्रोसीड कर सकते हैं इसको, प्रोसीड कर दीजिए। एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं रिटर्न को, एक बार चेक कर लेंगे कोई गलती तो नहीं है। यहाँ पे क्लिक कर देना है प्रीव्यू एंड सबमिटेड में, नेम फादर्स नेम आ जाते हैं, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए तो आपका पूरी समरी आ जाएगी। आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट निकाल के ले सकते हैं। एक बार सारे डिटेल चेक कर लीजिए, इस डिटेल में कहीं से आपका कोई चीज़ गलत भरा होगा तो एक बार उसको वेरीफाई कर लेंगे। टोटल इनकम भर दी, यहाँ पे डिडक्शन आ गया डेल ऑफ टैक्स में, तो मैं प्रोसीड कर दे रहा हूँ वेरिडेशन के लिए। अब इसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो ये बोल रहा है, मैं देखता हूँ। वेरिडेशन कम्प्लीटेड, टू एरर्स फाउंड। पहली एरर है प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, तो ये कहीं पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया होगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन छूट रहा है टीडी का। वेदर यू हैव यू और योर फैमिली मेंबर्स इज ए सीनियर सिटीजन, अब यहाँ पे आ रहा है नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली, तो यहाँ पे ये क्लिक कर दीजिए सबसे सही है। मैं कोई क्लेम करने नहीं जा रहा हूँ 80D के डिडक्शन के लिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं नॉट क्लेमिंग पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे करना होगा तो मैं उस पर करता, सेव कर दीजिए। तो जो पहला ऑब्जेक्शन था उनका ये ठीक हो चुका होगा 80D का। अब इसको आगे बढ़ाते जाना है, प्रोसीड। अब इस ITR के नए पैटर्न में एक ही दिक्कत है कि हम लोग अगर बीच में कहीं पे आ जाएं तो लास्ट वाले कॉलम पे जहाँ पे इसको हमने छोड़ा था वहाँ पे नहीं जा सकते, हमको सारे स्टेप दोबारा चलने पड़ेंगे। अब देखिए सारे सारे स्टेप में दोबारा चल रहा हूँ, फिर से मुझे एक बार ये पीछे कर देगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर फाउंड, सारी चीज ठीक हो गई हैं। प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आ रहा है कि कंप्लीट योर वेरिफिकेशन ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई ज़्यादा सही रहता है, इस पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये कह रहा है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, इसी ऑप्शन को क्लिक कीजिए जो ज़्यादा सूटेबल होता है। कंफर्म कीजिए, आधार नंबर की डिटेल के लिए OTP जनरेट कराइए, OTP जनरेट आपके मोबाइल पे आ चुका होगा वो उसमें फिल कर दीजिए और उसको वैलिडेट कर दीजिए। तो मैंने OTP फिल कर दिया है, इसको वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट कर दिया, वैलिडेट करते ही देखिए कह रहा है कि कंफर्म सबमिशन रिटर्न, प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिटेड द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स, सबमिट कर दीजिए। मुझे लग रहा है मेरा डिटेल सब सही भरा हुआ है, तो देखिए आ गया यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, वी विल नोटिफाई यू ऑन दिस, मोबाइल नंबर दिया है जिस पर आप मैसेज भेज देंगे या आपके पास में जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और आपकी ईमेल आईडी अपॉन द प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, जब आपका रिटर्न प्रोसेस होगा तो आपका ये सबमिट हो चुका है। आपको कहीं भी इसको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये सबमिट हो चुका है। अपने डैशबोर्ड पर जाके जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे शो करेगा कि फाइल्ड सक्सेसफुली असेसमेंट ईयर 2021-22 फाइलिंग, इसमें सक्सेसफुल शो कर देगा। ठीक है, अगर आपको दोबारा इसको रिवाइज करना है तो यहाँ पे फाइल रिवाइज रिटर्न पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपका काम हो चुका है। इस तरीके से आप इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर अपना इनकम टैक्स फाइलिंग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू फील कम्फर्टेबल एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।